أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال الدرس الأول ب यहाँ भी हमने सूरत अनफाल अदरसुल अव्वल भी इसकी पढ़ाई हमने मुकम्मल की थी। आखिरी आयत मुबारक सूरत यहाँ तक हमने सूरत अनफाल अदरसुल अव्वल भी इसकी पढ़ाई मुकम्मल की थी। अभी आप लोग किताब सफा नंबर 6 खोले और आप लोग मश्क की तरफ देखिए। सबसे पहले आप लोग अल्फाज मानी की तरफ देखिए। अल कलिमात व तराकीब, योशी को डांप देता है, तारी कर देता है। अन्नवासा ऊन अनूदगी, रिज शैतान शैतान की नजासत। अलाना गर्दनी, बनान पोर पोर जोड़ जोड़। जख्फन लश्कर कशी की सूरत में। मुतहर्रिफन लिक़ताल, जंगी चाल के तौर पर। मुतखय्यिज़न इला फ़िअतिन, किसी फौज से जा मिलने के लिए। रमैता तूने फेंका, लियुब लिया ताकि वो आजमाई। मोहिनो कमजोर करने वाला। ये अल्फाज मानी की तरफ आप लोग दोबारा देखिए, लेकिन आप लोग ये बात जहन में रखिए कि अल्फाज मानी यहाँ पे आप लोग को जिस तरह नजर आ रहा है, जिस तरह आप लोग की किताब में है, आप लोग ये अल्फाज मानी इसी तरह याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी पेपर में एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं तो ये इनके लिए जो पहली लफ्ज है ये सारे चेंज कर लेते हैं। ओडाम पहली जिस तरह लफ्ज है, योशी वो डाम देता है, वो तारीख कर देता है, तो यहाँ पे तुम और हम और इसी तरह कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरह है आप लोग इसी तरह याद करेंगे, योशी को डांप देता है। अब्दुर्रहमान आप लोग ये कैमरा ऑफ कर ली सारे, अब ये कैमरा ऑफ कर लो अब्दुर्रहमान। तुम लोग इतने लानी थी लोग हो ना कि एक बात पे समझते नहीं हो। अल्फाज मानी की तरफ आप लोग दोबारा देख, योशी को डांप देता है, तारी कर देता है। अन्नवासा ऊन आनूदगी, रिज शैतानी शैतान की नजासत, शैतान की पलीदी। तो यहाँ मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि शैतान की नजासत, इनसे मुराद क्या है, शैतान दिल में जो तरह तरह की वसवसे वगैरह ये डाल देता है, तो इससे रिज शैतान शैतान की नजासत इनसे मुराद ये है। अलानाक गर्दनी, गर्दन की जमा गर्दनी। बनान पोर पोर जोड़ जोड़। जख्फन लश्कर कशी की सूरत में, जब कोई फौज वगैरह आ जाती है लश्कर कशी की सूरत में। मुतहर्रिफन लिक़तालि, जंगी चाल के तौर पे। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जंगी चाल के तौर पे अगर कोई तदबीर वगैरह हो, अगर कोई मैदान जंग से पीछे हट जाए, जो कुछ कर ले, तो जंगी चाल के तौर पे। मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन, किसी फौज से जा मिलने के लिए। अगर इसकी तादाद कम है, किसी फौज से जा मिलने के लिए। मुतहर्रिफल लिक़ताली, जंगी मुतहर्रिफल लिक़ताली, जंगी चाल के तौर पे। मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन, किसी फौज से जा मिलने के लिए। रमैता तूने फेंके, यहाँ पे जो लफ्ज़ है रमैता, रमैता तूने फेंका, यहाँ पे जो इरशाद है रमैता तूने फेंका। लियुब लिया ताकि वो आजमाई। मोहिनो कमजोर करने वाला। तो ये आप लोगों की जो अलकलिमात व तराकीब अल्फाज मानी है, फिर इसके बाद आप लोग अत्तमारीन मश्क की तरफ आ जाए। अस्सवाल अव्वल, सवाल नंबर 1, पहला सवाल। इस सबक में अज़वे बदर के हवाले से अल्लाह ताला ने किन इनामात का जिक्र किया है? आप लोगों का सवाल नंबर 1 है कि इस सबक में अल्लाह ताला ने अज़वे बदर के हवाले से किन इनामात का जिक्र किया था। तो इससे पहले हमने डिटेल से बात की थी, क्योंकि जो जंग बदर थी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान पहला मारका था, पहली जंग थी, इसमें मुसलमानों की तादाद कम थी, काफिरों की तादाद ज्यादा थी, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर चंद इनामात की थी। तो इस सबक में अज़वे बदर के हवाले से किन इनामात का जिक्र किया है, किन इनामात का जिक्र फरमाए अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कौन कौन से इनामात किए थे? तो इसमें से एक इनाम तो ही था कि अल्लाह ताला ने बारान रहमत मुसलमानों पर जो बारिश बरसाई थी, एक इनाम तो ये था। दूसरी मुसलमानों का जो फतेहयाब होना था, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतेह दिलवा दिया। और एक इनाम किया था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नींद तारी की थी, ऊन तारी की थी।
मैदान जंग में और एक इनाम किया था रेत फेंकना। नबी करीम सल्लम ने जो हाथ में रेत ली थी और कुफार की लश्कर की तरफ फेंकी थी, तो एक इनाम वो है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी इनाम किया था कि अल्लाह ताला ने जंग बदर में फरिश्ते भी जो आए। तो सवाल नंबर एक क्या है कि इस सबक में अज़वे बदर के हवाले से अल्लाह ताला ने किन इनामात का जिक्र किया है। फिर इसके बाद सवाल नंबर दो है, कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत अनफाल की इन आयात में क्या हिदायत दी गई है। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत अनफाल की इन आयात में क्या हिदायत दी गई है। तो यहाँ भी जो एक आयात मुबारक ईमान वालों, जब मैदान जंग में कुफार से आप लोग का सामना हो जाए तो पीठ न फेरना। इस आयत मुबारका में इस सवाल की जवाब मौजूद है, क्योंकि पीठ न फेरना और जो जवान मर्दी से लड़ना, बहादुरी से लड़ना था। फिर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया था कि जंगी चाल के तौर पर अगर कोई पीछे हट सकते हैं तो बेशक वो पीछे हट सकते हैं। तो इनमें इन सब चीजों के बारे में इरशाद फरमाया गया था। फिर इसके बाद आप लोग सवाल नंबर तीन की तरफ आ जाए। सवाल नंबर तीन में क्या है, कुफार को खिताब करते हुए इन आयत करीमा में क्या तनबीह की गई। सवाल सालिस, सवाल नंबर तीन, कुफार को खिताब करते हुए इन आयत करीमा में क्या तनबीह की गई। नबी करीम यहाँ पे जो सवाल अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था मुसलमानों को, जो हिदायत दी थी कि आप लोग क्या करेंगे, तो इसमें ये सारी चीजें बयान की गई है कि आप लोग सवाल नंबर तीन में कुफार को खिताब करते हुए इन आयत में क्या हिदायत दी गई है, अल्लाह ताला ने क्या हिदायत दी थी। तो इन सब चीजों के बारे में इरशाद फरमाया गया है। जंगी चाल के लिए कुफार को खिताब अल्लाह रसूल की मुखालिफत पे सख्त वाइद था, या कुफार की जो हर चाल है तदबीर है वो भी नाकाम होगी। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप लोग की जो कसीर तादाद है इस पे पार ना करो, वो सारी चीजें जो बयान की गई थी इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों का जो सवाल नंबर चार है, मंदरजील इबारात का मफहूम बयान कीजिए। जिस तरह मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि एक बामुहावरा तर्जुमा याद करनी है, सिर्फ तर्जुमा याद करनी है, लेकिन इसके साथ दूसरी क्या चीज है कि जब भी मफहूम आ जाए तो मफहूम के साथ आप लोग तर्जुमा भी लिखेंगे, तर्जुमा भी करेंगे, और इसके साथ जो मफहूम है वो भी आप लोग बयान करेंगे। एक तो जिस तरह किताब में बामुहावरा तर्जुमा है, एक एक आयत का तर्जुमा है, एक तो आप लोग को भी याद करेंगे, लेकिन दूसरी आप लोग क्या करेंगे कि इसके साथ साथ आप लोग मफहूम जब आ जाए तो आप लोग मफहूम के साथ पहले तर्जुमा फिर इसके बाद मफहूम का हेडिंग ये आप लोग देंगे। लम्मा अलिफ वो क्या है, या अय्युहल लज़ीना आमनु इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। या अय्युहल लज़ीना आमनु इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ए ईमान वालो, जब कुफ़ार की किसी जमात से तुम्हारा सामना हो जाए तो इनसे पेट न फेरना। ए ईमान वालों, जब कुफार की किसी जमात से आप लोगों का सामना हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, पेट नहीं फेरेंगे, आप लोग मैदान जंग से नहीं भागेंगे। एक तो ये है, फिर इसके साथ दूसरा क्या है, वो हमारा मैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरिया फेंक रहे हैं तो आप सल्लम ने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी। इसमें जो इबारत नंबर भी है, इसमें जो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने जब जंग में फतह हासिल कर लिया तो ये लोग एक दूसरे के सामने इसका जिक्र कर रहे थे कि फला मैंने इसी तरह कारनामा सर अंजाम दिया था। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि आप लोगों ने वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। इसके साथ बुक में आप लोगों की किताब में वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा का लफ्ज नहीं है, तो आप लोग किताब में क्या करेंगे, आप लोग रमा इसका लफ्ज आप लोग बुक में लिखेंगे, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियां फेंक रहे थे तो ये कंकरियां ये आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी, क्योंकि फेंकने वाला हाथ ये तो नबी करीम सल्लम का था, लेकिन इसमें जो कुव्वत और ताकत बख्शी थी तो वो अल्लाह ताला ने बख्शी थी। फिर इसके बाद इबारत नंबर जीम की तरफ आ जाए, वलन तुअनी वलन तुअनिया अनकुम फियतुकुम शैअन व
वलव कसरत, और तुम्हारी जमात कितनी ही कसीर ही क्यों ना हो, तुम्हारी कुछ भी काम नहीं आएगी। वलव कसरत ज्यादा, अगर आप लोगों की तादाद जितनी भी ज्यादा हो लेकिन आप लोगों की कुछ भी काम नहीं आएगी। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप लोगों की तादाद जितनी भी ज्यादा हो आप लोगों की कुछ भी काम नहीं आएगी। तो ये आप लोगों के अल्फाज मानी थे, फिर इसके बाद आप लोगों का तमारी मश्क, इसमें सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, 3 और ये सवाल नंबर 4। अभी आप लोग सवालात जवाब इसकी तरफ आप लोग आ जाए, अद्दरसुल अव्वल भी। और दूसरी बात आप लोग ये जहन में रखें कि जितनी भी ये सारी चीजें आप लोग ये रफ नोटबुक में लिखेंगे और दूसरी आप लोग को नोट्स मिले हैं, तो आप लोग इसके साथ इस नोट्स को चेक कर लो। इसमें अगर कोई काकी वगैरह इसकी कोई गलती वगैरह हो तो आप लोग इसके साथ इसको ठीक कर ले। आप लोग वहां से नोट्स में जो थोड़ी सी मामूली सी अगर फ्रेंटिंग मिस्टेक है जो कुछ भी, तो आप लोग इसके साथ इसको ठीक कर ले। और आप लोग जब सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो जिस तरह आप लोगों का डिटेल पेज है सारी चीजें तरीक़ेकार यही होगा, इसी तरह होगा। अद्दरसुल अव्वल भी, पहले आप लोग दर्स का हेडिंग देंगे, फिर इसके बाद आयात 11-19, फिर इसके बाद सवाल का हेडिंग, सवाल नंबर 1। तो आप लोग इसी तरतीब से अगर आप लोग रफ नोटबुक में आप लोग लिखेंगे भी तो आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप लोग इसी तरह लिखेंगे। सवाल नंबर 1 की तरफ आ जाए, इस सबक में अज़ीम बदर के हवाले से अल्लाह ताला ने किन इनामात का जिक्र किया है। इस सबक में अज़ीम बदर के हवाले से, सबक से मुराद क्या है, यहाँ पे जब पेपर होगा तो पेपर में आप लोगों के लिए सवाल क्या होगा कि सूरत अनफाल में अज़ीम बदर के हवाले से अल्लाह ताला ने किन इनामात का जिक्र किया है। यहाँ पे सबक से मुराद क्या है, अद्दरसुल अव्वल बे। इस सबक में अज़ीम बदर के हवाले से अल्लाह ताला ने किन इनामात का जिक्र किया है, फिर इसके बाद जवाब का हेडिंग आप लोग दे देंगे, जवाब के बाद आप लोग ज़हनी हाका इसका आप लोग हेडिंग देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ज़हनी हाका इसमें जो मेन पॉइंट है वो सारी इसके लिए एक शिकल, एक जिस तरह एक हाका होता है, तो आप लोग इसी तरह ये भी आप लोग इसी तरह भी बना सकते हैं। इनसे आप लोग और भी अगर किसी के जहन में हो कोई बेहतर तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। अज़ीम बदर में अल्लाह ताला के इनामात, आप लोग सबसे पहले जो मेन हेडिंग आप लोग क्या देंगे, अज़ीम बदर में अल्लाह ताला के इनामात। अज़ीम बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कौन कौन से इनामात ये की थी, कितने इनामात की थी, तो यहाँ पे बारान रहमत, दूसरा मुसलमानों का फतेहयाब होना, तीसरी रेत फेंकना, चौथी नीम तारी होना, और नंबर 5 फरिश्तों की मदद। इसकी जो मेन फंड है ज़हनी हाका में माइंड मैप जो आप लोग बनाएंगे तो इसमें इसकी जो मेन फंड है तो आप लोग ये सारी चीजें लिखेंगे, फिर इसके बाद आप लोग पस मंजर की तरफ आ जाए। ये क्योंकि ये अज़ीम बदर किस तरह लड़ी गई और इसमें क्या था, इन सब के बारे में थोड़ी सी मामूली सी डिटेल वगैरह, तो इसकी तरफ आप लोग एक हेडिंग देंगे पस मंजर। अज़ीम बदर कुफर व इस्लाम का पहला मारका था। ये अज़ीम बदर हमने पहले भी बताया था कि कुफर और इस्लाम के दरमियान, मुसलमानों और काफरों के दरमियान पहला मारका, मारका लड़ाई को कहते हैं, जंग को कहते हैं। ये अज़ीम बदर क्या था, ये मुसलमानों और काफरों के दरमियान सबसे पहली जंग थी, क्योंकि इनसे पहले जितनी भी थी तो इसी तरह, क्योंकि मुसलमान तो मक्का मुकर्रमा में थे, फिर इसके बाद हम लोगों ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की, तो मुसलमानों और काफरों के दरमियान ये सबसे पहली लड़ाई थी, सबसे पहली जंग थी। अज़ीम बदर कुफर व इस्लाम का पहला मारका था, मारका जंग लड़ाई। अज़ीम बदर में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, क्योंकि अज़ीम बदर में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। मुसलमानों की तादाद कितनी थी, वो 313, और काफिरों की तादाद क्या थी, वो तो 1000 थी। तो इसके मुकाबले में, काफिरों के मुकाबले मुसलमानों की तादाद ये बहुत ज्यादा कम थी, और कुफार की तादाद बहुत ज्यादा थी। मुसलमानों की तादाद कम थी, 313 थी, काफिरों की तादाद कितनी थी, वो तो बहुत ज्यादा थी, इसकी तादाद 1000 थी। और दूसरी बात क्या थी, कुफार मैदान जंग में पहले पहुंचे और मुनासिब जगह मुंतखब करके हेमे गाड़ दिए। कुफार मैदान जंग में पहले पहुंचे और मुनासिब जगह
मुंतहब करके हमें गाड़ दी। एक तो ये था कि कफार जो थी ये मैदान जंग में सबसे पहले पहुंची थी, और मैंने आप लोग को बताया भी था कि कफार जब पहुंच गए तो उन्होंने जो जंगी हालात के मुताबिक जंगी लिहाज से सबसे बेहतर जगह थी तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पड़ाव वहां डाला था, मुंतहब करके अपने हेमी गाड़ दी, अपने हेमी नसब कर दिए थे कफार, क्योंकि मैदान जंग में क्या थी वो सबसे पहले पहुंच चुके थे और उन्होंने मुनासिब जगह जो जंगी लिहाज से सबसे मुनासिब जगह थी, सबसे बेहतर जगह थी, तो उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया था। और दूसरी चीज क्या थी, पानी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां पे अगर आप लोग देखें तो वहां पे दश्त बयाबान ये सारी चीजें और इसी तरह इतने लोगों के लिए पानी वगैरह ये लेके जाना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुफार ने एक ऐसी जगह पे कब्जा किया था जहाँ पे पानी भी मुयस्सर था, इसके लिए वहां पे पानी ये सारी चीजें मौजूद थी। मुसलमानों ने मजबूरन रेत के टीलों पर खेमे गाड़ दिए, और दूसरी बात ये थी कि मुसलमानों ने इसके मुकाबले क्या थी, इन लोगों ने तो अच्छी जगह पे हेमे भी नसब कर दिए थे और पानी वाला जगह पर कब्जा भी कर लिया था, तो मुसलमान वो तो बाद में पहुंचे तो उन्होंने मजबूरन क्या किया, रेत की टीलों पर उन्होंने जिस जगह पे अपने खेमे अपना पड़ाव डाल दिया, तो इसके लिए क्योंकि काफिरों ने जिस जगह पर खेमे डाल दिए थे तो मट्टी वाली जमीन थी, इसके लिए चलना फिरना और ये सारी चीजें आसान थी, लेकिन मुसलमानों ने जिस जगह पे पड़ाव डाल दिया अपने खेमे नसब कर दिए तो रेतली जमीन थी, और इसमें ये थे कि पाँव धंस जाते थे क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए चलना फिरना ये सारी चीजें ये मुश्किल था। और दूसरी क्या थी, पानी की कमी थी, मुसलमानों के पास पानी की भी कमी थी क्योंकि पानी वाली जगह और सबसे जो जंगी लिहाज से सबसे बेहतर जगह थी वो तो काफिरों ने इस पे कब्जा किया था। रेत पर चलना फिरना मुश्किल था, पाँव रेत में दंस जाते थे क्योंकि मुसलमान जब वो चले गए तो रेत पर चलना फिरना मुश्किल था, मुसलमानों के लिए चलना फिरना ये बहुत ज्यादा मुश्किल था और पाँव रेत में दंस जाते थे, मुसलमान जो थे इसमें नहीं फिर सकते क्योंकि रेत की वजह से इसमें चलना फिरना ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। शैतान भी दिल में तरह तरह की वसवसे डाल रहा था, और दूसरी बात ये थी कि शैतान वो भी मुसलमानों के दिलों में या जो नई मुसलमान हो गए थे इसकी दिलों में भी तरह तरह की वसवसे वो डाल रहा था। शैतान क्या था कि आप लोग तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये मुसलमानों ये काफिरों का मुकाबला तो आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि काफिरों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, इसके पास असलहा भी ज्यादा है और सारी चीजें भी ज्यादा है, आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है और आप लोग इसका किस तरह मुकाबला करेंगे, तो ये दिल में तरह तरह की वसवसे डाल रहे थे। दूसरी ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, तो आप लोग खुद देखें कि इतनी मुश्किल हालात इसमें क्योंकि जंग का सारा नक्शा ये अल्लाह ताला ने तब्दील कर दिया, क्योंकि पहले जितनी भी सारी चीजें थी वो मुआफ़िक थी, वो काफिरों के मुआफ़िक थी क्योंकि तादाद भी ज्यादा असलहा भी ज्यादा, उन्होंने जिस जगह पड़ाव डाला था वो भी जंगी लिहाज से बेहतर था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला को मंजूर था अल्लाह ताला ने ऐसे हालात में मुसलमानों की मदद की, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और इन पर इनामात की बारिश कर दी, इनमें से चंद ये है, तो अल्लाह ताला ने ऐसे हालात में क्या किया, मुसलमानों पर इनामात की बारिश की, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मुसलमानों की मदद की, मुसलमानों की इमदाद की और मुसलमानों पर चंद इनामात की थी, तो इनमें से चंद ये है। सबसे पहला इनाम किया था वो बारान रहमत, पहला इनाम किया था वो रहमत की बारिश, अगर बारिश बहुत ज्यादा भी हो जाए तो भी नुकसान का सबब बन जाता है, तो क्या था कि आप लोग जब भी बारिश वगैरह इसका आप लोग दुआ कर ले अल्लाह ताला, तो आप लोग ये दुआ में जरूर ये याद रखे कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे लेकिन रहमत की बारिश, अगर बहुत ज्यादा हो जाए नुकसान की सूरत में और सैलाब की सूरत में तो भी नुकसान का बायस बन सकती है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जो इनाम की थी तो इनमें से सबसे पहला इनाम वो जो किया था वो बारानी रहमत, सबसे पहला इनाम किया था वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जब बारिश बरसाई तो वो बारान रहमत सबसे पहला इनाम वो बारिश का था, और वो बारिश किस तरह की थी, वो रहमत वाली बारिश थी। पहला इनाम ये हुआ कि जंग से पहली, पहला इनाम ये हुआ कि जंग से पहली रात मूसलाधार बारिश हुई, तेज बारिश, जंग से पहला इनाम किया था
कि जंग से पहली रात, जंग शुरू होने से पहली वाली जो रात थी, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बारिश बरसा दिया। और बारिश किस तरह थी? बहुत तेज बारिश। तो इस बारिश का फायदा क्या हुआ? जिसका फायदा ये हुआ कि पानी की कमी दूर हो गई। एक तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि काफिरों ने जिस जगह पड़ाव डाला था तो वो इसके लिए पानी वगैरह ये सारी चीजें मौजूद थी, और मुसलमानों ने जिस जगह पड़ाव डाला था तो वहां पे पानी की कमी थी। तो एक तो ये थी कि जब भी बारिश हो गया तो मुसलमानों ने इसके लिए हौज और ये सारी चीजें बना ली, तो ऊपर से जितने भी पानी था तो भी नीचे आ गया और मुसलमानों ने अपने लिए सारे पानी को जमा कर दिया। बारिश जिसका फायदा ये हुआ कि पानी की कमी दूर हो गई, गुस्ल और वजू के लिए पानी मुहैया हो गया। और मुसलमानों के लिए क्या था ये बारिश? इसके लिए गुस्ल और वजू के लिए, क्योंकि मुसलमानों को पानी की जरूरत थी नमाज के लिए और अपने जो गुस्ल के लिए, इन सब चीजों के लिए, पानी जानवरों के लिए ये पानी की जरूरत होती, तो मुसलमानों के लिए ये पानी वगैरह ये सारी चीजें मुहैया हो गया। दूसरा ये कि रेत जम गई, और मुसलमानों की जगह वो तो रेतली जमीन थी, पाँव रेत में दस जाते थे, चलना फिरना मुश्किल था, तो वो क्या था? वो जम गया। ये इसके लिए मुसलमानों के लिए एक फर्श की तरह बन गया। ये रेत ये जब जम गया, इस पे बारिश हो गई, तो मुसलमानों के लिए एक फर्श की तरह बन गया और इस पे चलना फिरना आसान हो गया और नकलो हरकत आसानी से होने लगी। मुसलमानों के लिए जो नकलो हरकत है, चलना फिरना है, वो आसानी से होने लगा। लेकिन ये तो मुसलमानों के लिए ये बारिश होती, और ये था हमने जो पहले भी बताया था कि इस बारिश की वजह से क्या हुआ था कि अल्लाह ताला ने ले तोहरा माँ ले तोहरकुम भी वयुज़िबान कुम रिज़ शैतानी। हमने जो पहले पढ़ा था कि एक तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जो सफाई है ये फाकिजगी वगैरह इस बारिश से हो गई, और दूसरी क्या थी कि शैतान जो दिल में तरह तरह की वसवसे डाल रही थी, ले तोहरकुम भी वयुज़िबान कुम रिज़ शैतानी वलियरबित अला कुलूबिकुम वयसब्बित बिहिल अक़दाम। तो इस बारिश से मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो साबित कदम हो गई, इसके लिए रेत जम गया और मुसलमानों के लिए नकल हरकत आसानी से होने लगी। लेकिन ये तो मुसलमानों के लिए ये बारिश फायदेमंद साबित हो गया, लेकिन दूसरी साइड पे कुफार के लिए ये बारिश नुकसानदेह साबित हुई। इनके लिए कीचड़ की वजह से चलना फिरना दुश्वार हो गया। हमने पहले भी बताया था क्योंकि ये काफिरों ने जिस जगह पड़ाव डाला था मट्टी वाली जमीन थी, तो जब बारिश हो गया, बारिश का पानी आ गया, तो इसके लिए वो दलदल और इसके लिए कीचड़ वगैरह बन गया, तो फिर इसमें काफिरों के लिए चलना फिरना ये दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया। ये तो बारान रहमत, ये सबसे पहला इनाम। फिर इसके बाद नींद तारी होना। अल्लाह ताला ने दूसरी जो इनाम वो क्या किया था? दूसरा इनाम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नींद तारी कर दी। ये नींद तारी कर देने के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी सारे जितने भी सहाबा किराम हैं वो सारे के सारे सो गए थे। ये खुद या अल्लाह ताला ने इसको जबरन सुला दिया, लेकिन सारे मुसलमान ये सो गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रिवायत है कि नबी करीम सल्लम ने भी थोड़ी सी जो ऊँग है ये आलूदगी, ये नबी करीम सल्लम भी आए थे, और इसके बाद नबी करीम सल्लम ने ये बशारत थी खुशखबरी सुना दी कि जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे ये बशारत दे दी कि इन दो ग्रोहों में से एक ग्रोह पे आप लोग पता पाएंगे। और दूसरी नबी करीम सल्लम का जो है हदीस मुबारक है कि जब मैदान जंग में इंसान के ऊपर नींद, क्योंकि मुश्किल हालात होते हैं, खौफ का वक्त होता है, तो ऐसे हालात में नींद आना ये बहुत ज़्यादा दूर की बात है। किसी को नींद खौफ की वजह से, इन चीज़ों की वजह से नींद नहीं आती, लेकिन मैदान जंग में नींद आना ये क्या है? ये इंसान के लिए बाएस रहमत होती है। और जब नमाज में नींद वगैरह और ये सुस्ती वगैरह आ जाती है तो ये शैतान की तरफ से होती है। दूसरा इनाम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नींद तारी कर दी। इस तरह आराम करने से इनकी परेशानी दूर हो गई। और दूसरी बात ये थी कि जब ये लोग, ये मुसलमान ये सो गए, तो इसके लिए फायदा ये हो गया कि इसकी जो थकावट थी, इसकी जो ज़हनी परेशानी थी, वो थकावट, वो सारी चीजें वो दूर हो गई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल से खौफ और डर दूर कर दिया।
और मुसलमानों के दिलों में आराम करने से इसके ऊपर जो खौफ और वो सारी चीजें तारी थी तो क्या था, वो दूर हो गया। शैतान के वसवसों से नजात मिल गई और मुसलमान बहादुरी से लड़े। शैतान दिल में जो तरह तरह की वसवसे वो डाल रहा था तो क्या था, वो सारी की सारी खत्म हो गई। वसवसों से नजात मिल गई और मुसलमान क्या थी, वो बहादुरी से लड़े। नंबर तीन, फरिश्तों की मदद। तीसरा इनाम ये हुआ कि मैदान जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते कतार दर कतार आई, उन्होंने काफिरों को मार भगाया। इस तरह मुसलमानों को फतह हासिल हुई और कुफार शिकस्त से दोचार हो गए। तीसरा इनाम किया था वो फरिश्तों की मदद थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मैदान जंग में वहां पे जो हमने पढ़ा था कि इस तस्ताई सुन रब्बकुम फस्तजाब लकुम, आप लोग जब अल्लाह ताला के यहाँ फरियाद कर लेते थे तो अल्लाह ताला ने आप लोगों की फरियाद और आप लोगों की दुआ को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाए, अन्नी मुमित्तुकुम बिअल्फ मिन अल मलाइकति मुर्दिफीन, मैं आप लोगों के लिए 1000 फरिश्ते जो लगातार आने वाले होंगे, एक की बाद दूसरी आने वाले होंगे, एक दूसरे के बाद आने वाले होंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए कि मैं आप लोगों के लिए भिजवा रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मैदान जंग में मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फरिश्ते और दूसरी जगह पे 3000 का जिक्र भी, सलासम मिन अल मलाइकति, फिर इसके बाद खमसम मिन अल मलाइकति ये भी आए थे। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जिक्र किया था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए जो फरिश्ते थे वो 1000, फिर इसके बाद 3000 और फिर इसके बाद क्या थी 5000 तक। ये अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी, ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक बशारत के तौर पर, खुशखबरी के तौर पर ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं फरिश्ते भिजवाने वाला हूँ। तीसरा इनाम ये हुआ कि मैदान जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते कतार दर कतार आए, उन्होंने काफिरों को मार भगाए। और दूसरी बात ये थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फरिश्ते मैदान जंग में आए थे, उन्होंने मैदान जंग में हिस्सा लिया था, जंग में हिस्सा लिया था, इसी तरह मुसलमानों को फतह हासिल हुई। ये फरिश्तों की मदद की वजह से मुसलमानों को क्या हुई, हासिल हुई, फरिश्तों मुसलमानों को फतह नसीब हुई, फतह हासिल हुई, और कुफार शिकस्त से दो चार हो गए और कुफार को शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस फरिश्तों की मदद से। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर काफिरों की तादाद 1000 थी और मुसलमानों की मदद के लिए अगर अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्ते भिजवाए तो मुसलमानों की तादाद क्या होगी, वो 1313। अगर फिर इसके बाद काफिरों के लिए और मदद और वो सारी चीजें थी तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं भी आप लोगों की मदद के लिए ये 3000 फरिश्ते ये अल्लाह ताला ने भिजवाई, तो अगर 3000 फरिश्ते आ गई तो मुसलमानों की तादाद कितनी हो जाएगी, तो वो 3313। तो इसके साथ ये भी है कि फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर ये लोग यकबारगी से यकमुश हमला करेंगे और इसके साथ और भी लोग होंगे तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप लोग के लिए मदद के लिए मैं और भी फरिश्तों में इजाफा, इसकी तादाद में और भी इजाफा होगा। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए क्या थे और भी फरिश्ते भिजवा दिए, क्योंकि तादाद 1000 और फिर इसके बाद 3000 और फिर इसके बाद 5000 तक की कुरान मजीद में ये जिक्र आया है। फिर इसके बाद जो चौथी इनाम, चौथा इनाम क्या था अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों पर की, तो रेत फेंकना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में रेत की कंकरियां ये ली थी। अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर रेत हाथ में ली और कुफार के लश्कर की तरफ फेंकी। मुट्ठी भर, मुट्ठी इसमें दो चशम हा, ये आप लोग को नजर आ रहा है, इसमें दो चशम हा है और मिट्टी में फिर दो चशम हा ये नहीं है। अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर रेत हाथ में ली और कुफार की लश्कर, कुफार के लश्कर की तरफ फेंकी। अल्लाह ताला के हुक्म से इस रेत का एक एक जर्रा एक एक काफिर की आग में चला गया। अल्लाह ताला के हुक्म से, क्योंकि जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लम से अर्ज की कि आप लोग मुट्ठी भर, और दूसरी रिवायत में ये भी आया है कि नबी करीम सल्लम की जुबान मुबारक भी क्या था, शाहत वजूह, आप लोग के चेहरे बिगड़ जाए, और नबी करीम सल्लम ने इस मुट्ठी भर रेत ये काफिरों की लश्कर की तरफ फेंकी थी, और ये सारे लश्कर क्या थे, ये बदहवासी की हालत में ये सारे लोग फिर निकल चुके थे, वो भाग गए थे मैदान जंग से, भाग गए थे।
और दूसरी ये थी कि आम हालात में ये सारी चीजें नामुमकिन है, क्योंकि एक मुट्ठी बर्रे की जर ये 1000 लश्कर तक इसकी आंखों तक पहुंच जाए, लेकिन ये अल्लाह ताला नबी करीम सलम का एक मौजजा था और अल्लाह ताला ने इस रेत के जरों को सारे काफिरों की आंखों तक पहुंचाई थी। अल्लाह ताला के हुक्म से इस रेत का एक एक जर्रा एक एक काफिर की आग में चला गया। कफार बदहवासी की हालत में भागने लगे, तो कफार किया थी उन्होंने मैदान जंग, क्योंकि वो अपनी आंखें मलने लगे थे और इसी तरह इसकी जो आंखें तो उसने काम करना छोड़ दिया था और वो क्या थी मैदान जंग से वैसी भाग गई थी। फिर इसके बाद जो अल्लाह ताला ने इनामात की बारिश की थी, इसमें पांचवा नंबर अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों का फतेहयाब होना, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद से, क्योंकि 313 मुजाहिदीन जिनके पास जंगी साजो सामान की कमी थी, मुसलमानों के पास जंगी साजो सामान इन चीजों की भी कमी थी, जिनके पास सिर्फ दो घोड़े, आप लोग ये नोट कर ले अपने साथ के मुसलमानों के पास जंगी असलियां और सारी चीजें कितनी थी, जिनके पास दो घोड़े, सिर्फ मुसलमानों के पास दो घोड़े थे, 70 ऊंट, 8 तलवारें और 6 जरे थे। मुसलमानों के पास कितनी चीजें थी, जिनके पास दो घोड़े थे, मुसलमानों के पास सिर्फ दो घोड़े, 70 ऊंट और 8 तलवारें थी और 6 जरा। जरा एक लोहे का एक कमीज होता है जो जंग के दौरान इस्तेमाल होता है। 1000 असलहे से मुकम्मल लैस लश्कर को इबरतनाक शिकस्त देकर फतेहयाब हो गई। मक्का के नामी गिरामी सरदार कत्ल की गई। इस जंग में जो जितनी भी मक्का के जो अबू जहल थे और उतबा और शीब और जितनी भी बड़े बड़े सरदारान कुरैश थे वो इस जंग में हलाक हो गए थे। तो मुसलमानों के साथ कितनी थी, 8 दो घोड़े, 70 ऊंट, 8 तलवारें और 6 जरे थे। 1000 असलहे से मुकम्मल लैस लश्कर को इबरतनाक शिकस्त देकर फतेहयाब हुई। मक्का की नामी गिरामी सरदार कत्ल की गई। तो आज के लिए यहाँ तक ये काफी है, ये सवाल नंबर 1 यहाँ तक आप लोगों के लिए ये काफी है। इंशाल्लाह कल जो मश्क और सवाल वगैरह है वो इस पर बात करेंगे, और आप लोग अपने साथ ये होमवर्क भी नोट कर लें, क्योंकि हमने जो कल आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था तो यहाँ भी आयात मुबारक ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہاں تک ہم نے آپ لوگ کو ہوم ورک دیا تھا تو آج آپ لوگ کیا کریں گے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یہاں سے آپ لوگ یہاں تک اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہاں تک آپ لوگ یہ یاد کریں گے اس کا بمحاورہ ترجمہ یہ ہوم ورک یہ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک ہے تو یہاں آیت نمبر جو 17 ہے یہاں تک وَأَنْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہاں تک آپ لوگ کا ہوم ورک آپ لوگ یہ یاد کریں گے ابھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں اگر ذہن میں کوئی کوسچن آ رہا ہو हसनैन सवाल पूछना है तो पूछ लो। फरिश्तों की सरबराही कौन कर रहा था? किसकी सरबराही? फरिश्तों की। फरिश्तों की जिब्रील अमीन, सरबराही जिब्रील अमीन कर रहे थे। और गज़वा की मायनी क्या है? क्या गज़वा की मायनी क्या है? एक होता है गज़वा और दूसरा होता है सरिया। गज़वा हम इसको कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस वो शिरकत करे तो इसको गज़वा कहते हैं, और जिसमें नबी करीम सल्लम खुद शिरकत ना करे और किसी और को भिजवा दे तो इसको सरिया कहते हैं। गज़वा इसको कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस शरीक हो। जरक सर कुरान मजीद पर जबर जेर किसने लगाया था? क्या कुरान मजीद पर जबर जेर ये हिज्जाज बिन यूसुफ इसने लगाए थे, क्योंकि ये तो पहले इस पे नहीं थे, अरब वाले हो तो सारी समझ सकते थे, लेकिन फिर इसके बाद हिज्जाज बिन यूसुफ ने हमारी आसानी के लिए फिर उन्होंने ये किया था कि इस पे जबर जेर ये लगाए थे। ठीक है,
ठीक है इंशाल्लाह कल दूसरी लेक्चर में फिर दूसरी सवाल के साथ मिलेंगे।